Everybody keep your cameras on. And Ode to the Nightingale is written by John Keats. Today I will explain the summary about the poet. Ode to the Nightingale is written by John Keats. He's the writer. John Keats was from a middle class background. किसी भी poet को जानने के लिए, किसी की poetry को जानने के लिए, उसके background को जानिएगा, तब उसको बेहतर आप समझ सकते हैं. John Keats was not from a very rich background. His background was very simple and middle class. Middle class से भी थोड़ी नीचे. इनके father stable में काम करते थे, मतलब घोड़ों की देखभाल करते थे, किसी के stable में घोड़ों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करना, ये इनका काम था. और जब ये बहुत छोटे थे, जब 12 साल के ही सिर्फ थे, तो उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़े ने इनको कुचल करके इनके फादर को, तो उनकी जान ले ली. तो हिज फादर वाज ट्रैम्पल्ड बाय अ हॉर्स ही वाज लुकिंग आउट एंड आफ्टर सम टाइम His mother also died. His mother died of tuberculosis. So TB हुई थी और उनकी मदर का भी डेथ हो गया. जब बहुत छोटे थे, he lost his parents. इनके फादर चाहते थे कि ये मेडिसिन पढ़े. His father wanted him to become a doctor. And he studied, उन्होंने पढ़ाई भी की थी medicine की, लेकिन वो practice नहीं की. He did not practice because he was very much interested in writing poetry. तो वो लिखते थे, was a very good poet. Renowned poet at a very early age. He died at a very young age. 22 years mein inka duniya ko inhone chhod diya. Matra 22 years, only 22 years. Lekin is 22 saal mein he earned name and fame. और ये इतना अच्छा लिखने लगे थे कि इनके पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फेमस हो गए. तो लाइफ इनका पहले से ही थोड़ा सैड था. पेरेंट्स की डेथ के बाद तो कोई भी परेशान हो सकता है. और फिर सबसे छोटे भाई, चार भाई, चार ब्रदर्स में सबसे बड़े थे. ही वाज दी एल्डेस्ट. और कुछ समय बाद उनके छोटे भाई का भी डेथ हो जाता है. तो जब छोटे भाई का डेथ हुआ तो इतने वो टूट गए, वो सो मच शैटर्ड, उन्होंने लिखना भी बंद कर दिया. लिखना लगभग छोड़ ही दिया, बंद कर दिया. और वो कुछ समय के लिए अपने दोस्त के घर चले गए. उनके बहुत अच्छे फ्रेंड रहते थे घर के पास में ही, जहां वो कुछ दिन के लिए अपना दुख भूलने, टू फॉरगेट हिज पेन, वो अपने दोस्त के घर चले गए. वहां भी वो चुपचाप बैठे रहते थे, दादा किसी से बातचीत नहीं, चुपचाप से. और
और ऐसे ही एक शाम एक दोपहर वो बैठे हुए थे, तो इनके दोस्त का जो घर था उसके ठीक सामने एक उनका गार्डन था और गार्डन में एक बेंच था, वहां पर ये बैठे रहते घर के बाहर बिल्कुल अकेले में बैठे हुए थे, बैठे रहते थे। और एक दोपहर वो वैसे ही बैठे हुए थे कि वो उन्होंने नाइटिंगेल की आवाज सुनी। अब इस पोइट्री का नाम है ओड टू नाइटिंगेल। और वहां उन्होंने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो फिर से दोबारा लिखने पर मजबूर हो गए। वो ऐसी क्या बात थी उस नाइटिंगेल की आवाज में, ऐसा क्या मोटिवेशन था उसकी आवाज में, ऐसा कुछ जादुई कुछ था, कुछ मैजिकल था जो ये फिर से लिखना शुरू कर दिए। और वो शायद अपने पूरे दुख दर्द को भी कुछ समय के लिए वो भूल गए और वो इतने खो गए नाइटिंगेल की आवाज में कि उनको कुछ याद नहीं रहा कि वो कहाँ है, कौन है, क्या है। डूबते चले गए, सुनते चले गए और उन्हें खुद पता नहीं चला कब वो नाइटिंगेल का की दास्तान जो है वो लिखना शुरू किए। और फिर एक सामने आया हम लोग के उनका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग ओड टू द नाइटिंगेल। सबसे पहले तो शीर्षक का नाम समझिए, ओड का मतलब क्या होता है। ओडी ओड का मतलब होता है प्रशंसा, किसी के तारीफ में, किसी के प्रशंसा में लिखे गए कुछ पोएटिक लाइन, कुछ सॉन्ग्स को ओड कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस है ओड में और एलिजी में? एलिजी होता है दुख, मातम, किसी के मरने के बाद कुछ लिखी गई लाइनें एलिजी होती है, और किसी की तारीफ में लिखी गई बातें क्या होती है? जवाब दो भाई, इस इज ब्लैंक वन। देखो मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया, फोकस रखो क्लास में क्या हो रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड, कैन एनीबॉडी आंसर? एनीथिंग रिटन इन प्रेज, व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग समथिंग, व्हेन यू आर प्रेजिंग समथिंग, समवन, समथिंग। तो शीर्षक क्या है? ओड टू द नाइटिंगेल। तो जैसे ही इस पर नजर पड़ती है शीर्षक पे तो सारे रास्ते वहीं पर खुल जाते हैं। अच्छा, कुछ तारीफ मतलब ऐसा कुछ उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी जो बर्ड होती है उस पर इन्होंने इतना लंबा जो 85 लाइंस, ऐसा क्या करिश्मा था, ऐसा ऐसा कुछ जादू था, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा क्या था? और the answer, उन्होंने लिखना क्यों शुरू किया? The questions can be, why did John Keats stop writing? क्यों बंद किया था उन्होंने लिखना? Why did he stop writing? Or how did he start writing? तो भाई छोटा भाई मर गया था मैम, इसीलिए वो लिखना छोड़ दिया था। Yes. और जब वो कैसे उन्होंने शुरू कर दिया? How did he resume writing? वो नाइटिंगेल का आवाज सुन के। और फिर नाइटिंगेल का जब वो गाना सुनते हैं तो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, उनकी हालत कैसी हो जाती है? जैसे कि बिल्कुल वो अपने होश खो देते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कोई आदमी इंसान वाइन पी करके बिल्कुल होश खो देता है।
और फिर ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कोई दवा नहीं ली थी जो मेरा दर्द था, वो दर्द क्या था उनका, व्हाट वाज द पेन इन हिज लाइफ। उनके सारे मतलब माँ बाप और भाई सारे मर चुके थे, मैं इसी बात का उनको पेन था। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो दर्द कम कैसे हो गया, मैंने तो कोई दवा नहीं ली है, आई हैव नॉट टेकन एनी पेन किलर, आई हैव नॉट टेकन एनी वाइन। तो फिर ये दर्द को कम कैसे हो रहा है कि मेरे जो हार्ट में जो पेन था एक था, वो उसके उसके जगह पे एक अजीब सी जैसे सुन हो गया, कोई दर्द खत्म हो जाता है। जैसे पेन किलर क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन आपको पड़ जाता है तो दर्द आपका खत्म हो जाता है, नम हो जाता है, मतलब कि सुन हो जाता है। वैसे उनके भी दिल में जो दर्द था वो दर्द खत्म हो गया था और एक ड्राउजी मतलब नींद से उनको आ रही थी, जैसे कि बेहोशी की हालत। और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो बोलते हैं कि ये नाइटिंगेल कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, कोई साधारण बर्ड नहीं रखती, इसमें इतना पावर है। He says that nightingale, तो वो पावर है, वो ये कहते हैं वो पेड़ों पे गाती है। नाइटिंगेल इतनी खुश क्यों रहती है, वो जॉन किट्स कहते हैं कि वो जहां ये बैठे थे वहीं पर पेड़ था और पेड़ के ऊपर नाइटिंगेल गा रही थी जहां ये बैठे। और ये बोलते हैं ये फीमेल स्पिरिट्स हैं, भगवान की भेजी हुई फीमेल स्पिरिट्स या फरिश्ते या एंजल जो भी कह लो, और ये पेड़ों पर रहती हैं और इंसानों के दुख दूर करने के लिए इसको ऊपर से भेजा गया। और ये खुश रहती हैप्पी, दे आर अ हैप्पी लॉट, इनका जो झुंड है खुश रहता है सारा। और फिर बोलते हैं मैं तुम्हारी खुशी से जलता थोड़ी हूं, तुम खुश रहती हो और मैं खुश नहीं था, तो मैं तुम्हारी खुशी से जल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी में मैं। फिर वो खुद पूछते हैं कि इतनी खुश क्यों रहती है ये, तो आंसर भी देते हैं ये खुश इसलिए रहती है कि सारा दिन पेड़ों पे गाती रहती है, सुबह से शाम तक थकती नहीं, गाती जोर जोर से गाती, फुल थ्रोटेड गाती। अब फिर वो राइटर बोल रहे हैं, इतना शुरू कर देते हैं और फिर आगे आप लाइंस देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन वर्ड्स विद द नाइटिंगेल का। साइड में देखिए उसका नाइटिंगेल जॉन कीट्स हैं और ही इज थिंकिंग कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, इसमें जरूर कुछ पावर है जो इंसानों के दुख को दूर करता है। और ये खुश रहती है सारा दिन, ये क्या करती है, ये गाती रहती है, शी सिंग्स द होल डे। स्कोर क्यों नहीं हो रहा, so you can see so all day she is singing, from morning till night she is singing। A painter ne bhi banaya hai golden bird jo ki god sent hai, god ne bheja hai insano ke dukh dur karne। पहला लाइन, लाइन्स 1 एंड 2। माई हार्ट एक्स
एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स माय सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक. द वर्ड मीनिंग्स है हार्ट एक्स मतलब होता है दिल में एक अजीब एक दर्द एंड ड्राउजी का मतलब होता है कि नींद आना. अगर हम बोलते हैं आई एम फीलिंग ड्राउजी मतलब क्या हुआ आई एम फीलिंग स्लीपी. सो विल नॉट राइट विल यू रिमेम्बर मैं इतनी वोकैबुलरी बताऊंगी तुम याद रह जाएगा. Drowsy, feeling sleepy. Numbness, मैं numbness का मतलब बताया था जैसे मेरे बिल्कुल सुन हो गया है मेरे कुछ दर्द नहीं है सुन हो गया. हेमलॉक एक तरह का पॉइजन है जिसको खाने से इंसानों के दर्द पॉइजन खाने से क्या होता है सारा दर्द खत्म हो जाता है. तो लग रहा है कि मानो कि मैंने कोई पॉइजन खा लिया है मैं ऐसा हो रहा सारा दर्द खत्म हो गया है. ये पॉइजन क्या था पॉइजन ही था एक नाइटिंगेल की आवाज थी जिसको सुन के वो सारा खत्म हो गया था. तो ये बस सुनना शुरू किया है नाइटिंगेल का सॉन्ग अभी लिखना शुरू करते हैं. तो द स्पीकर सेज दैट हिज हार्ट हर्ट्स तो उनके हार्ट में अजीब सा एक हर्ट है जैसे कि वो कोई पॉइजन पी लिया. द एक इन हिज हार्ट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेजरेबल और ये जो एक है उनको अच्छा लग रहा है जैसे कोई आप दर्द भरा गाना सुनते तो आपको अच्छा लगता. द वे ही डिस्क्राइब्स इट लाइक व्हेन यू हियर अ सैड सॉन्ग यू रियली लव दैट जस्ट पियर्सेस योर हार्ट. तो जिस तरह से बहुत ही एक अच्छा गाना आपके दिल में उतर जाता है वैसे ही इसका नाइटिंगेल का गाना उनके दिल में क्या और नहीं तुम्हारा पढ़ो हमको देख रहा है नॉट इवन लुकिंग एट द तो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये गाना जैसे नटिया ले गाना उनके दिल में उतर गया. इसी आपका तो ये रिवीजन चल रहा है ना आपका तो हो चुका था मतलब बताइए. और फिर वो कह रहा है जैसे उसने और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ग्रेव्स और उसने कोई वाइन की एक ग्लास पूरा खत्म कर लिया है जैसे उन्होंने वाइन की पूरी ग्लास खत्म कर ली. एक मिनट पहले वो मैंने ऐसा फील हो रहा है उनको जैसे एक ग्लास वाइन उन्होंने पूरा खत्म कर लिया. एंड लेथेवार्ड हैड सम लेथेवार्ड एक नदी है जिसमें जिसमें नहाने से दुख इंसानों इंसान अपने दुख भूल जाता है. आप बस ऐसे बैठे रहेंगे तो लिटरेचर मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी.
यही हाल आपका है, इसलिए कि आपने पहले भी ऐसे ही पढ़ा होगा, तो कुछ आपको याद नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेके वर्ड? कैसी नदी? ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक नदी है, ठीक है। इसमें मुझको लग रहा है कि मैंने उसी नदी में डुबकी लगा लिया, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। और समझ रहे हैं क्या क्या वो कंपेयर कर रहे हैं? लग रहा है कि मैंने एक वाइन पिया पिया तो नहीं है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने उस नदी में डुबकी लगा ली है। डुबकी तो लगाई नहीं थी उन्होंने, सिर्फ सनलाइट का गाना सुना था। तो कंपेयर क्या क्या कर रहे हैं? नंबर वन कि उन्होंने वाइन पी लिया है, नहीं, सबसे पहले उन्होंने कोई पेड़ किलर खाया है, नहीं खाया था। दूसरी बार उन्होंने एक ग्लास वाइन पी ली है, नहीं पिया है। उन्होंने कोई पॉइजन खाया है जो कि दर्द कम खत्म हो गया, वो भी नहीं किया है। और लास्ट क्या है, वो एक नदी में डुबकी लगा दिए हैं, जिस नदी में डुबकी लगाने से उसके किसी के भी गम दुख दर्द इंसान भूल जाता है। तो ये चार चीज कंपेयर किया है, चारों चीज में से कुछ भी नहीं था, वो क्या चीज थी? नाइटिंगेल का। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ही इज नॉट डाइंग, और ऐसा भी दर्द नहीं कि वो मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो मर रहे हैं। ही इज नॉट डाइंग आफ्टर ऑल, ही ट्राइज अनदर अप्रोच टू एक्सप्लेन। और वो अलग अलग तरीके से वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके क्या हुए? अचार मैंने बताया ना आपको, अलग अलग तरीके से रीडर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस समय कैसा फील कर। तो जब तक आप पोएट्री के अंदर डीप में नहीं जाइएगा, जॉन कीट्स को आप नहीं समझ पाए, किसी भी पोएट को आप नहीं समझ पाए। He feels as though he has drunk some powerful drug or painkiller. उनको लग रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, उन्होंने कोई फील कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई पेन किलर खाए और पावरफुल ड्रग और ओपिएट दैट कॉजेस हिम टू सिंक इनटू अ काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और ऐसे ऐसा ऐसा कोई वाइन पिया है जो हर चीज को वो भूल गए, या वो नदी में एंटर कर चुके हैं जिसमें वो नदी जो कि ग्रीस में है, और बहुत सारे वर्ड जो यूज किए हैं जॉन किट्स ने वो ग्रीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। मीनिंग मैं आपको बताते जाऊं, पेन और किट्स को लिखने के लिए, समझने के लिए नोट को लाना पड़ेगा। लाइन 5 और 6, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या। कोई किसी को देख के जलता है, कोई किसी की खूबसूरती से जलता है, कोई किसी के जॉब से जलता है, कोई किसी की दौलत से जलता है। ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? कोई पता चल इंग्लिश बोलता है तो ईर्ष्या होती है, क्या समझ अच्छा बोलता है, तो किसी न किसी तरीके से ईर्ष्या लोग करते करना नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि मैं तेरी खुशी से जल रहा हूं। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, मतलब मैं तुमसे जल नहीं रहा हूं, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। दाइन का मतलब होता है योर, और बताया था दी और दाइन, जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जैसे भगवान को आप करते हो, कि तुम्हारे खुशी से मैं खुशी हूं। He wants to clarify that the pain he feels is not because he is jealous. ये उसको जो पेन जो फील हो रहा है, किसी जलन के बारे में फील नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि मैं जलता थोड़ी हूं तुमसे। Instead, he is excessively happy for the bird's happiness.
और ये बहुत ज्यादा खुश हैं चिड़ियों की खुशी से, नाइटिंगेल की खुशी से. एक्सेसिवली मीन्स टू मच, वेरी हैप्पी, एक्सेसिवली हैप्पी. That thou light winged का मतलब होता है हल्के पंखों वाली छोटी छोटी चिड़िया होती है. Dryad का मतलब है फीमेल स्पिरिट, अच्छी आत्माएं, अच्छी आत्माएं या फरिश्ते या परियां या एंजल जो भी कहीं जो कि पेड़ों पे रहती है, कि जो हर वक्त गाना गाती है. मेलोडियस मतलब कि सुरीली सुरीली गा सुरीली सुरीले गाना गाती है. और वो कहते हैं तुम जो कि हल्की फुल्की पेड़ों पर रहने वाली फीमेल आत्माएं हो, फरिश्ते हो, फरिश्ते हो तुम भगवान की भेजी हुई जो पेड़ों पर रहती हो और बस गाना ही गाती हो और कुछ नहीं करती. जिंदगी में तुमको बस गाना गाने के लिए भेजा गया, इंसानों के दुख को दूर करने के लिए भेजा गया. और किस बात के लिए गाना गाती हूँ, कौन सा क्या टॉपिक क्या रहता है, सब्जेक्ट क्या रहता है उस गाने का. तो नाइटिंगेल जो चीज भी देखती है उसी पर वो खुश होके गाती है. जैसे वो ईश्वर का जो की दुनिया जो है उसको उसके बखान करती है तो वो गाना गाती है ग्रीन फील्ड का. और बीच एंड ग्रीन मतलब ग्रीन फील्ड, you are not writing anything, do you know all these things, kya aapko pata hai? Yes, aap na to likh rahe hain aise baithe hain. What is the meaning of dry rats? तो ये क्या बोलते हैं, तुम जो कि हल्की फुल्की हल्के पंखों वाली हो, लाइट विंग्ड. लाइट का मतलब होता है हल्का और विंग का मतलब होता है पंख. पेड़ों पे रहने वाली परियां हो, पेड़ों पे रहने वाले फरिश्ते हो, फीमेल स्पिरिट हो जो कि पेड़ों पे रहती हो, जिसको ईश्वर ने भेजा है, गॉड ने भेजा है इंसानी दुख को दूर करने के लिए. क्योंकि तुम दिन भर गाना गाते रहते ग्रीन फील्ड के बारे में और बीच इन ग्रीन. तुम्हारे गाने का टॉपिक क्या रहता है, ग्रीन फील्ड के बारे में गाती हो. एंड शैडोज नंबरलेस मतलब जब धूप में शैडो कम होता है, शाम को शैडो बड़ा होने लगता है, मतलब सुबह से शाम तक तुम गाती हो. समझ में जब वसंत ऋतु आती है उसके बाद तुम शुरू करती हो गाना. सिंगेस्ट ऑफ समर, सिंगेस्ट का मतलब होता है गाती हो, ये सब ओल्ड इंग्लिश है. सिंगेस्ट तुम गाती हो समर के बारे में. फुल थ्रोटेड का मतलब होता है जोर जोर से गाती हो, पूरे गला गलम गला खोल के गाती हो. फुल थ्रोटेड इज मतलब तुम्हें गाने में कोई कठिनाई नहीं होती, तुम बड़े आराम से गाती हो.
एंड व्हाई इज द नाइटिंगेल सो हैप्पी, और ये नाइटिंगेल इतनी खुश क्यों रहती? या जॉन कील सोच रहे हैं ये नाइटिंगेल व्हाई आर दे सो हैप्पी, इसलिए कि वो दिन भर पेड़ों के ऊपर बैठती और दिन भर गाती अबाउट समर टाइम, अबाउट ग्रीन फील्ड, मॉर्निंग टिल नाइट. एंड इन ग्रीक मिथोलॉजी अ ड्रायड इज अ निम्फ और अ फीमेल स्पिरिट दैट लिव्स इन द ट्रीज. तो ड्रायड क्या है? एक फीमेल स्पिरिट है, जो मैंने पहले आपको बता दिया, जो कि पेड़ों पर रहती है. अब यहां पर नाइटिंगेल के बारे में बातें कम कर रहे रोकता है जॉन कीट्स, और अपनी इच्छाओं के बारे में करता है. जैसे तुम जब खुश होते हो तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम पार्टी करना चाहते हो तो तुम कोका कोला मंगाते हो, तुम पिज्जा पास्ता ये मंगाते हो. तो जब खुश होते थे, यदि थोड़ा खुश हो रहा है तब तो खाने पीने की इच्छा इसकी नहीं थी, लेकिन अब जो थोड़ा खुश हो रहा है ये, अब इसको जरूरत पड़ रही है कि वॉन्ट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन. अभी तक अपना इच्छा नहीं बताया करते, लेकिन अब थोड़ा पार्टी का मूड हो रहा है. एग्जाम वग्जाम हो गया, खत्म, चलो पार्टी करते हैं, समोसा ही मंगा लेते हैं बगल से संतुष्टि से. ठीक है, थोड़ा हो जाए, थोड़ा कोका कोला भी हो जाए, थोड़ा अभी मस्ती करते हैं आप लोग. लेकिन जब आपका एग्जाम खराब होता है, मूड सही नहीं है, तो आपको कुछ खाने पीने का करता है क्या? तो और खाने लगते हो, ला के देता है, उठा के फेंक दे, चाहे फेवरेट चीज ही क्यों ना हो आपकी, आप नहीं खाएंगे. तो जब इंसान खुश होता है, तो वैसे जब जॉन कीट्स थोड़ी उनकी राहत थोड़ी मिली, थोड़ी इत्मीनान, थोड़ी सुकून, थोड़ा थोड़े नशे के से आलम में आ गए, तो उन्होंने आप रियली चाह रहे हैं, उसी वक्त चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा अब जरूरत है, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, मुझे अब जरूरत पड़ती है. Oh, for a draught of vintage that had been cooled long age in the deep delves of earth. अब देखिए, शायर ने सब कुछ कह दिया बिना वाइन का नाम दिए हुए. This is poetry. नाम आया ही नहीं और पूरी बात कह दी. तो अब वो चाहता है एक ग्लास उसको वाइन मिले. कौन सी वाइन? पुरानी वाइन, जो कि जमीन के अंदर, वाइन जितना ओल्ड होता है ना उतना अच्छा माना जाता है. जितनी पुरानी होती है वाइन उतना ही उसका उसका दाम उतना ही बढ़ता है. ये कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड वाइन इज सपोज टू बी द बेस्ट वाइन. तो ये चाहता है वाइन कौन सा, वो भी बता रहा है, न्यू वाइन नहीं, ओल्ड वाइन. और ये लाइन खास करके बहुत अच्छा है. और वो ओल्ड वाइन इसलिए क्यों चाहता है, उसमें उसमें भी इतनी शायरी उसने करी हुई है कि पुराना जो वाइन है, जो कि कूल्ड अ लॉन्ग एज, लॉन्ग एज मतलब बहुत दिनों तक, बहुत पुरानी है, लॉन्ग एज मतलब पता नहीं कितना पुराना है. इन द डीप डेल्व अर्थ मतलब कि जो कि जमीन को लोग जमीन के अंदर रखा गया. कॉन्सेप्ट क्या है? एक लकड़ी का बैरल होता है, बैरल मतलब कि यूं बड़ा सा रहता है, और उसमें लोग ग्रेप को डालते हैं. और कुछ करना थोड़ी है, जितने भी अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उसमें डाब भर देते हैं पूरा, और जमीन मतलब फील्ड में उसको कोड़ करके उसके अंदर दबा देते हैं और उसको भूल जाते हैं. सालों साल, 5 साल 10 साल के बाद वो निकाली जाती है. तो ये वाइन वो उनको लेना है जो कि बहुत दिन तक ठंडा किया गया. कहाँ ठंडा? कौन से फ्रिज में रखा गया? जमीन के अंदर में. नेचुरल फ्रिज में रखा हुआ है, कूल, बहुत दिन तक जो रखी गई है.
द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर अ ड्रिंक, यहाँ मतलब लॉन्ग का मतलब होता है बहुत तीव्र इच्छा होना, लॉन्ग्स, लॉन्ग मतलब लॉन्ग शॉट नहीं, लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग एडजेक्टिव हो गया, लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग नहीं, वो ये लॉन्ग है, ऐसे बहुत गर्मी में तुम क्या चाहते हो, गर्म पानी पीना, चिल्ड वाटर, कोका कोला, आइसक्रीम, यू लॉन्ग फॉर आइसक्रीम, तीव्र इच्छा होना, दिन में बहुत थक जाते हो तो क्या करते हो, यू लॉन्ग टू गो होम, मतलब लगता है कैसे घर जाए और सो जाए. द स्पीकर लॉन्ग फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाइन और सम अदर स्पिरिट, और कोई वाइन नहीं तो कोई भी चीज, दैट हैज बीन केप्ट कूल डीप इन द अर्थ, क्योंकि बहुत दिन तक धरती के अंदर रखा गया है. अ विंटेज वाइन इज मेड ऑफ, विंटेज वाइन जो होता है वो कि सेम, हाँ सेम हार्वेस्ट, अभी का ग्रेप, अभी अभी तो वो वाइन नहीं चाहिए उसको, कौन सा चाहिए, पुराना. अब 9:13:40 वो डिस्क्राइब करते हैं कि उस वाइन का टेस्ट इतना अच्छा क्यों होता है, क्यों उसकी उसका दाम बढ़ जाता है, क्यों क्यों लोग उसको पीना चाहते, कारण भी बताया उन्होंने, इसलिए कि वो जो धरती के नीचे दबी वो पड़ी होती है, जो उसमें फूलों की खुशबू आती है, वो टेस्ट फूलों का आता है, वो धरती में क्या है? फूल का खुशबू है और क्या क्या है, और कुछ है, ग्रीन फील्ड का टेस्ट है, आप लिखिए ना क्या क्या चीज उस शराब में, उस वाइन में क्या क्या चीजें होती है, टेस्ट ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड, टेस्ट ऑफ डांस. अब डांस क्या, हार्वेस्ट के बाद जो लोग खुशी मनाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं उसी फील्ड के ऊपर में, तो उसका भी फ्लेवर आता है उसमें, है ना, जो जिन लोगों ने खुशियां मनाई है, गाना गाया है, डांस किया है, वो सब का भी फ्लेवर है उस वाइन, उस नाच का, डांस का, सॉन्ग का. And sun burnt much, और जो धूप का, जो सन का जो रेज जाया जा रहा उसके तक, उसकी भी गोल्ड जो कलर आती है, उसका भी टेस्ट है धूप का, खुशियों के धूप की. मर्ट का मतलब होता है हैप्पीनेस, वो खुशी जो कि धूप में नहा के आती है. लिखने वाले ने कितने खूबसूरत तरीके से लिखा है, समझने वाला तो समझेगा, और बच्चों ने समझ के लिखा है एग्जाम में, और बहुत अच्छा लिखा उन लोगों ने, बच्चों ने तो कीट्स को पूरा उतार दिया था, उन्होंने कहा था जितने भी पोइट्रीज पढ़ा है उन्होंने, बेस्ट जो उनको लगा वो जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के ना का नाम आते ही मतलब सब लोग बोलते लगते कि जॉन कीट्स एक तो सबका फेवरेट भी बन जाता है, तो इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, प्लस इतने कम उम्र में चले भी गए थे, और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे. तो वो बोलते हैं कि वो उसको, वो लोग वाइन पीना चाहता है, तो ब्रिटिश मैन तो पीते ही हैं, क्यों पीना पीना चाहते हैं, इसलिए कि वो उस वाइन में बहुत सारी चीजें हैं, अब एक पोएट ही समझ सकता है, फूलों का भी, फूलों का की खुशबू है, फूलों का टेस्ट है, ग्रीन फील्ड हरियाली है, ग्रीन फील्ड का भी टेस्ट है, लोगों ने डांस जो किया उस फील्ड के ऊपर, जो हार्वेस्ट में लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं वहां, उसका भी कुछ फ्लेवर है उसमें, तो धूप की जो रोशनी आती है, धूप जो पड़ती है उस फील्ड पे, मतलब खुशी का भी एक फ्लेवर है उसमें, सारी चीजें. सो
इफ यू मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस, MIRTH मर्थ. If you drink wine out of the earth, it's no surprise that it might taste like flowers, flora, and plants, country green. Not only does the earth's wine taste like flowers, but it also tastes like dancing, song, and happiness. और फिर वो कहते हैं वो फॉर अ बीकर, बीकर मतलब होता है वन सिप्स, बीकर मतलब होता है कंटेनर होता है बीकर. वो चाहता एक बीकर में वो पूरा साउथ चले जाए, साउथ में तो थोड़ा गर्मी होती है तो साउथ में चले जाए और जिसमें पूरा भर करके वो उसमें वायरस को मिल जाए वो चाहता है, और एक ही बार में पूरा का पूरा ग्लास वो खत्म कर लिया. अभी कौन है Alright, that's it for today. I will continue with this in the next class. And there are 26 people in the class right now.